गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में पाठ 4 लिंग या जेंडर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जौनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी आई। नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई। मोहन गुड्डा पकड़ पाकर मुस्काया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। समझ गए होंगे कि नाना, गुड्डा, मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में, पुरुष जाति के रूप में हुआ है, जबकि नानी, गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्यों में उनके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। आगे चलते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहा जाता है। संज्ञा शब्द अर्थात वे सारे शब्द जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? वे सारे शब्द, या फिर हम कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। आगे चलते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बालक, गाय, घोड़ा, मोर। तो ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति के होने का बोध हो, पुरुष जाति का पता चले, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिसके बारे में स्त्री होने का पता चले, स्त्री जाति के होने का पता चले, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बालिका, बैल, घोड़ी, मोरनी। तो हमने देखा कि किस प्रकार अलग अलग संज्ञा शब्दों का अलग अलग लिंग होता है। आगे चलते हैं। लिंग की पहचान। सजीव चीजों के लिंग का पता आसानी से लग जाता है। सजीव अर्थात जिसमें जीवन है। मैं और आप सजीव हैं, ठीक है। और लेकिन निर्जीव चीज़ों के लिंग की पहचान में कठिनाई होती है, उसमें कठिनाई आ जाती है उसकी पहचान करने में। ऐसी चीज़ों के लिंग की पहचान के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसा कि कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है, अर्थात हम उनका प्रयोग वाक्य में करेंगे। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार। सौरमंडल के सदस्यों, पृथ्वी को छोड़कर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। हम कहते हैं हमारी पृथ्वी गोल है, तो यहाँ हमारी कहने से यह स्त्रीलिंग
शब्द होने की ओर इशारा करता है। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी। सागर या सागरों और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर। देशों, श्रीलंका को छोड़कर देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, मुंह, गला, सिर, दांत। आकरांत, जैसे नल, संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जिसमें आकार की मात्रा नहीं होती है, उन शब्दों को आकारांत कहते हैं, जैसे कि न ल नल। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे? कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है, जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी। हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, देवनागरी एक लिपि है। ऐसे वाक्य बनाकर हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान या पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, है ना। हम लोग तिथियों के नाम को आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दिनांक, तिथि या डेट के नाम जो होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन, जीभ, पीठ। ईकारांत, जैसे कली, देवी शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आई, जैसे मिठाई, दवाई, या इया, जैसे खटिया, पुलिया हो, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, मेघना, वर्षा, गायिका, नायिका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लिंग परिवर्तन। बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में दीर्घ ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप बदला जा सकता है या उन्हें स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक तालिका दी गई है शब्दों की, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को किस प्रकार परिवर्तन किया गया है हम देख सकते हैं। देव, देवी, नायक, नायिका, चिड़ा, चिड़िया, दास, दासी, गायक, गायिका, देवर, देवरानी। तो इन शब्दों को आप याद कर लीजिएगा और थोड़ी देर में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तो आपको इसका जवाब अपने वॉइस मैसेज के द्वारा देना है। इन्हें भी जानिए। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे चीता, कौआ, तोता, मच्छर, उल्लू। इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए इसके साथ मादा शब्द लगाया जाता है। मादा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के रूप में नर का उल्टा क्या होगा, नर का विलोम क्या होगा, मादा। तो चीता का मादा चीता, कौआ का मादा कौआ, मच्छर का मादा मच्छरनी। चीता के लिए हम चीती नहीं कहते हैं, कौआ के लिए कौवी नहीं कहेंगे, मच्छर के लिए मच्छरनी नहीं कहेंगे, इसलिए चीता का मादा चीता, कौआ का मादा कौआ, मच्छर का मादा मच्छर। और विशेष बात, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मछली, चींटी,
मक्खी, इन्हें पुल्लिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ नर शब्द लगाया जाता है, जैसे कोयल, नर कोयल। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने ऐसे शब्दों के लिए मादा शब्द का यूज़ किया, मादा शब्द का प्रयोग किया, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए हम नर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कोयल नर कोयल, छिपकली नर छिपकली, मक्खी नर मक्खी। तो यह एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पाठ था, पाठ है, जिसे आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दोबारा आपको वॉइस मैसेज के द्वारा इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा।